भारत के अब तक के प्रयासों ने दुनिया के सामने एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत दुनिया के उन देशों में है जिसने कोरोना वायरस की गंभीरता को समझा और समय रहते इसके खिलाफ एक व्यापक जंग शुरुआत की। भारत ने एक के बाद एक अनेक निर्णय किए, उन फैसलों को जमीन पर उतारने के लिए भरसक प्रयास किया, सभी सरकारों को साथ लेकर के आगे बढ़ने में कोई कमी न रहे इसकी चिंता की। और जैसा आप जानते हैं, एक ऐसी बीमारी थी जिसका रूप रंग कुछ पता नहीं था, ये कैसे आती है, कहां जाती है, किसके पास पहुंचती है, कुछ पता नहीं था। तब जो भी आवश्यक निर्णय करने की जरूरत पड़ी, एक्सपर्ट्स की मदद से करते रहे, एयरपोर्ट के पर विदेशों से लोगों के आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग हो, विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने की बात हो, दुनिया के कई देशों से भारत में आने वाले हवाई यातायात को बंद करने का बड़ा कठिन निर्णय हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस महामारी से निपटने के लिए तैयार करने के लिए प्रयास हो, हर स्तर पर भारत एक के बाद एक प्रोएक्टिव होकर के फैसले करता गया। कुल मिलाकर आज पुष्ट केसेस की संख्या 305 है और इस 305 में कल से आज तक में 27 केसेस आए हैं, और जो ये 27 केसेस आए हैं इनमें से 21 केस तबलीगी जमात के पुष्ट रोगियों के आए हैं। जो 27 केसेस आए हैं उनमें आगरा से 2, जिसमें लखनऊ से 5, पांचों तबलीगी जमात के हैं, गौतम बुद्ध नगर से 3, कानपुर नगर से 1, ये भी तबलीगी जमात से आए हैं। 5 केसेस जो है हमारे पास आज रिपोर्ट हुए हैं शामली से, ये पांचों तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं। इसके बाद 1 केस आया है कौशाम्बी से, 1 केस आया है बिजनौर से, ये भी तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ एक पेशेंट है। सीतापुर से 8 केस आए हैं, ये 8ों जो है तबलीगी जमात से जुड़े हुए हमारे पेशेंट्स हैं। और प्रयागराज से भी 1 केस आया है जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। यानी कुल मिलाकर अब 305 केसेस हमारे पास हो गए हैं, और इन 305 केसेस में अब 159 केसेस तबलीगी जमात से हैं। चार तारीख को हमें खबर मिली है कि हमें 4 से 5 टेररिस्ट यहाँ से भाग के निकले हैं, तो हमें यहाँ से हेली के द्वारा उस जगह पे ड्रॉप किया गया। तो वहाँ पे स्नो इतनी ज़्यादा थी कि हम छाती से ऊपर तक बर्फ़ में धंस गए। तो वहाँ से निकलने में लगभग हमें आधा घंटा लग गया। आधे घंटे तक हमें अपना वहाँ से निकल करके अपना सामान चेक करके फिर उनको ट्रैक फॉलो किया। जब हमें उनका ट्रैक मिला तो उसको ट्रैक फॉलो करते करते हमें 4 से 5 घंटे लग गए वहाँ, जहाँ पर जाके हमें उनके टेरिटोरियल साइड मिले। तो वहाँ से हमें और भी टेक्टिकली मूवमेंट शुरू हो गई हमारी। उसके बाद थोड़े से आगे जा करके हमें स्पॉट हुए, तो वहाँ पे हमें जो टेररिस्ट दिखाई दिए उनके ऊपर हमने MG फायर किया। तो वहाँ पे बहुत ही गहरा नाला था, तो वो टेररिस्ट उस नाले में कूद गए। तो जैसे हम आगे उनको चेक करने के लिए गए, वहाँ पे हम लग रहे थे, तो उस जगह पे 2 कॉर्नर बनते हैं, 2 पहाड़ियाँ, तो एक साइड में हमारा स्क्वाड, एक साइड में सुबह संजीव साहब का स्क्वाड हो गया। तो हम बैठ रहे थे, तो उसी टाइम क्या हुआ, स्लाइड हुई और संजीव साहब के स्क्वाड के 2 बंदे नीचे गिर गए। तो उनको बचाने के लिए संजीव साहब के साथ में करके और नीचे टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ हो गई, तो उनकी बहुत ही ज़्यादा फाइट हुई और आपस में वो बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो गई। तो सुबह संजीव साहब ने एक टेररिस्ट को बुरी तरह से पकड़ लिया और चिल्ला रहे थे, और थोड़ी देर में उनके बड्डी जो है वो भी उनको बचाने के लिए आगे चले गए। जब तक उनको पता नहीं कि टेररिस्ट मर गए हैं बचे हुए हैं, तो उसमें कुछ एक टेररिस्ट छुपे हुए थे। तो जैसे वो नीचे उनको बचाने के लिए गए, तो टेररिस्ट ने उनके ऊपर भी फायर कर दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन दोनों टेररिस्टों को मार गिराया। जब सुबह हमने उनको देखा, तो उसमें सुबह संजीव साहब जो है एक टेररिस्ट के साथ चिपके हुए थे।
कल दिल्ली में 503 केस थे और पिछले 24 घंटे में आज 523 केस हैं, तो पिछले 24 घंटे में 20 नए कोरोना के केस आए हैं। इन 20 में से 10 मरकज़ के हैं और बाकी 10 दूसरे हैं। तो 523 टोटल केस जो दिल्ली में हैं उसमें मरकज़ के 330 केस हैं जो विदेशों से लौट के आए थे और विदेशों से कोरोना लेके आए थे, ऐसे 61 लोग हैं। 7 लोगों की टोटल अभी तक मृत्यु हो गई है, पिछले 24 घंटे में 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। 25 लोग आईसीयू में हैं, 8 लोग वेंटिलेटर पे हैं, बाकी लोगों की स्थिति स्टेबल है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के हर हिस्से के लिए फूड ग्रीन स्टॉक्स की रेगुलर रिक्वायरमेंट को भी टाइप किया जा रहा है। इस लॉकडाउन की अवधि में देश भर में लगभग 16.94 लाख मेट्रिक टन्स फूड ग्रेन्स के द्वारा हमने उनको 605 रेक के द्वारा ट्रांसपोर्ट भी किया है। अब तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस मॉडल के तहत 13 स्टेट्स में 1.3 लाख मेट्रिक टन वीट और 8 स्टेट्स में 1.32 लाख मेट्रिक टन राइस अलॉट किया गया है। साथ ही 4 अप्रैल को सेंट्रल पूल में फूड कॉरपोरेशन के पास अभी 55.47 लाख मेट्रिक टन मिलियन मेट्रिक टन अनाज अभी भी है। राज्य को पहले से ही नेशनल हेल्थ मिशन और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत फंड्स को यूज करने की एडवाइस दी गई थी, जिसके द्वारा वह कोविड मैनेजमेंट से रिलेटेड, चाहे वो सर्वेलेंस हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स का क्रिएशन हो, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, पेशेंट्स ट्रीटमेंट और कोई भी कोविड संबंधित एक्टिविटी उस फंड्स के द्वारा वह ले सकते हैं। इसके तहत ऑलरेडी 1100 करोड़ राज्यों को NHM के द्वारा रिलीज किया जा चुका था और आज 3000 करोड़ एडिशनली अमाउंट भी रिलीज की गई है। ऐसे समय में जिसमें आप काम कर रहे हैं, जहां इतना क्राइसिस है, तो कैसे अपनी बातें, अपने दिल की बातें अपने परिवार तक पहुंचाती हैं? एक्चुअली ये बहुत मुश्किल होता है, कहना बहुत आसान होता है कि हाँ दूर रह के काम कर लेते हैं और मैनेज कर लेंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल दैट वेज। जब आप अपने घर वालों से बात करते हैं तो आपको भी डर होता है, क्योंकि दोनों तरफ से कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है, हो सकता है वो बीमार पड़ जाएं और आप उनकी केयर ना पकड़ पाएं, वो चीज़ का गिल्ट आप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपकी आंखों में आंसू आ रहा है हम जैसे देख, हाँ, बिकॉज आपके इस क्वेश्चन से मुझे अपने पेरेंट्स याद आ गए जिनसे मैं काफ़ी टाइम से नहीं मिली हूँ। सो मतलब दिस इज़ अ मैसेज टू देम ऑल्सो इफ दे सी दिस वीडियो एनी टाइम, बिकॉज माई फैमिली इज़ अ काइंड ऑफ फैमिली जो काफ़ी स्ट्रेंथन होने की कोशिश करती है। मतलब अभी भी जैसे वो मेरे को कॉल करते हैं, दे नेवर से कि हाँ वापस आ जाओ, कि छोड़ दो, अरे क्या रखा है इन सब चीज़ों में, जान सबसे पहले है, ऐसा कभी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना। चाहे कुछ हो जाए, दे नेवर आस्क्ड मी कि आप अपनी ड्यूटी मत करो, यू हैव टू डू, बट उसके साथ में एडिड होता है खाना टाइम पे खा लेना। मॉम स्पेशली ना, जब मम्मी को तो स्पेशली खाने की फिक्र सबसे ज़्यादा होती है कि नहीं बिल्कुल अच्छे से खाना पीना है, सब कुछ मैनेज करना है, तो दे आर वेरी सपोर्टिव बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली जैसे एक इट्स लाइक अ वॉर, इट्स जस्ट लाइक अ वॉर। जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, उनको मना थोड़े ना करते हम जाने के लिए कि आप मत जाओ, बट एक इमोशनल टच हम भेज भी देते हैं कि हाँ हमारी सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आप जाओ। Affect the entire world, and we have always seen that
that because of we connected with the essential services and medicine is required, so our staff to manufacture, everybody is willingly to work on this COVID-19 era, and our priorities are that the government is also giving assurance to perform your industry, to run your industry, and we are focusing on that. As far as the Himachal, right now almost 50-60% units are functioning with the efficiency of 20-25% workforce. Because the Himachal borders are sealed, we all are stuck up in the tri-city area. As far as the Himachal Drug Manufacturing Association, we taken all the precautions and measures, especially for protection, as far as the social distancing, to infrared attendance, avoid the fingerprint attendance, and as well as the workforce, we reduce the workforce. These are the circumstances which are obstructing to our to work, perform in better way. So we are waiting for this COVID-19 area, and we are suffering all of them. The output is drastically down. The output, you can say, is 15-20%. But we are having in the marketing companies, I am having the manufacturing and marketing both. So as far as the bigger marketing companies, those everybody is having the depot, C&F, stockies, and retail level. They have a stock for 1 or 2 months in their pipeline stock. So for that tier one and tier two cities, the reaching the goods and to available to the retailers' point, it is a little bit problem because the state transport, many of the areas are hiccuped and everything. But as far as the production-wise, our effect will come out, you can say, is June and July. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में 130 करोड़ लोगों की एकजुटता का प्रदर्शन अभी हम लोगों ने एक एक दीप जलाने के इस आह्वान के साथ देखा है। सचमुच कोरोना वायरस के खिलाफ जिस लॉकडाउन की कार्रवाई को पूरे देश के अंदर हर एक तबके के लोगों ने अपना सहयोग और समर्थन दिया है, वह भारत की एकजुटता और दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास भी कराता है। अध्यादेश लाने का फैसला किया गया है कि सभी सांसदों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री के 30% सैलरी कट कर दी जाएगी एक साल के लिए। साहसिक, निर्णायक और वक्त की मांग। दरअसल यह पहल हमें खुद सारे सांसदों को, विधायकों को या सार्वजनिक जीवन में कार्यरत लोगों को जो सार्वजनिक कोष से, कंसोलिडेटेड फंड से या राज्यों के कोष से हम पैसे लेते हैं, वेतन लेते हैं, सुविधाएं लेते हैं, खर्च करते हैं, पेंशन लेते हैं, अपनी ओर से हमें पहल करनी चाहिए। क्योंकि ज्ञात मानव इतिहास के 2000 वर्षों में दुनिया सबसे बड़े संकट से गुजर रही है और भारत अनेक चुनौतियां, पर इस बीच भारत ने जिस तरह से साहसिक कदम उठाए और केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने जो काम किया, उसे दुनिया भारत की ओर देख रही है। इन सब चीजों की एक आर्थिक कीमत है।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए ये कभी थाली बजवाते हैं, कभी लाइट जलवाते हैं। राहुल गांधी जी ना जीएसटी समझता, राहुल गांधी जी ना सीएए समझता, राहुल गांधी जी ना कोरोना समझता, राहुल गांधी जी ना कोविड 19 समझते। उनको कुछ भी समझ में नहीं आते, क्या बोले थे पता नहीं। आज देश पूरा एक यूनिटी होकर, देश नहीं सारी दुनिया लगभग 200 कंट्रीज में आज कोरोना के खिलाफ संघर्ष करे, उस देश का जनता का, जनता को बचाने के लिए हर देश का सरकार काम करे। दूसरे देशों में सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिलजुल कर एक होकर आज इस कोरोना के खिलाफ संघर्ष करे। दुर्भाग्य है हमारा बहुत बड़ा पार्टी है, ऐसे बोलने वाले राजनीतिक पार्टी, कुछ लोग आज सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे, सोशल मीडिया के द्वारा अलग अलग टिप्पणी कर रहे, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी समझे ना समझे तो आप घर में बैठिए, मगर ना समझते हुए टिप्पणी करना, स्टेटमेंट देना सोशल मीडिया में, ट्विटर के ऊपर भाषण देना, यह बहुत गलत है। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि कम्युनिटी सर्वे ऑन कोविड 19, ये डिसीजन लिया कि पूरे गोवा स्टेट में कोविड 19 के ऊपर घर घर में इसका सर्वे हो जाएगा। इसका रिकॉर्ड जो है हर घर में, हमारे हेल्थ वर्कर रहने दो, हमारे बाकी गवर्नमेंट स्टाफ रहने दो, जो प्राइमरी टीचर्स या बाकी टीचर्स जाके, हर एक का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो सब कुछ डिटेल्स, उसके हेल्थ के बारे में डिटेल्स, उसके ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में डिटेल, उसने कब ट्रैवल कहाँ किया, इसका सब कुछ डिटेल्स देने के बाद हमें हर एक फैमिली के बारे में, हर एक आदमी के बारे में पता चलेगा कि इसका सही में उसने ट्रैवल किया क्या, कौन सी यानी उसको फ्लू, कफ, कोल्ड और कुछ कंप्लेंट्स या साइन सिम्टम्स हैं तो वो हमें पता चलेगा। तो इसके बारे में ज़रूर हमें उसकी जानकारी मिलने के लिए हम 11, 12 और 13 तीन दिन में पूरे गोवा का सर्वे करने वाले हैं, जिससे हमें पूरी जानकारी, हमें मालूम हो जाएगी। गोवा गवर्नमेंट जो दूसरा डिसीजन ले लिया कि इंश्योरेंस के बारे में जो स्टाफ सभी यानी डॉक्टर से लेके जो स्वीपर तक जो सभी काम करते हैं, इवन दो द सिक्योरिटी, इवन दो इन क्वारंटाइन सेंटर्स, दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द 50 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कवर की है।
subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.